जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए भारत के संविधान के तीसरे अमेंडमेंट को लेकर आया हूं आज हम जानेंगे कि भारत के संविधान का जो तीसरा संशोधन था वो क्यों किया गया था और उसमें था क्या दोस्तों सबसे पहले इसको जानने से पहले आप कंकरेंट लिस्ट के बारे में जान लीजिए कि कंकरेंट लिस्ट जो होता है ये होता क्या है आप लोगों ने भारत के संविधान का सातवां शेड्यूल पढ़ा होगा उसमें तीन तरह की लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है उसमें वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है मगर कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिनमें करीब करीब बावन आइटम्स हैं और ये जो आइटम्स हैं ये जो सब्जेक्ट हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है ठीक है लेकिन लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो कि कंकरेंट लिस्ट में है आउट ऑफ 52 स्टेट ने भी कानून बनाया है और सेंट्रल ने भी कानून बनाया है और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, का कानून तवज्जो रखा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, का कानून प्रिवेल नहीं करेगा फिर से बता देता हूं अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई ऐसा कानून है ठीक है मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया है और सेंट्रल ने भी कानून बनाया है तो सेंट्रल का कानून ऊपर रखा जाएगा स्टेट का नहीं मान्य किया जाएगा इन द केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ठीक है तो जब इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान का बयालीसवां संशोधन किया था उन्नीस में ड्यूरिंग इमरजेंसी इन्होंने पांच सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से निकालकर करंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया था कौन कौन सा एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स वेट्स एंड मेजर्स ठीक है इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन पांच सब्जेक्ट को उठाकर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा ड्यूरिंग फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन और याद रखिएगा कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया है ये हम लोगों ने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो याद रखिएगा टोटल बावन सब्जेक्ट हैं ठीक है कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है अगर दोनों किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कानून बनाते हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में है अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट कर कर इंदिरा गांधी ने पांच सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया और कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहा से लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख लीजिए एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस मैरिज एडॉप्शन सक्सेशन ये सारे के सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जिन्हें कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है अच्छा मैंने आप लोगों को कॉन्करेंट लिस्ट इसलिए समझाया क्योंकि जब भारत के संविधान का तीसरा अमेंडमेंट किया गया था 22 फरवरी 1955 में तो तैतीसवीं एंट्री की गई थी कॉन्करेंट लिस्ट में ठीक है किस चीज से रिलेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किस चीज की प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन फोर क्लासेस ऑफ एसेंशियल कॉम्यूनिटीज देखिए दोस्तों हमारे देश में हम जानते हैं हम लोग व्यापार करते हैं हर मुल्क आज व्यापार करता है 1955 के दौरान जब ये तीसरा अमेंडमेंट हुआ हम लोग एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे हमारा सब कुछ एग्रीकल्चर पर निर्भर करता था जैसे कि आज हम लोग एक देखा जाए तो सबसे अधिक जीडीपी हमारी सर्विस सेक्टर पर निर्भर करती है तब एग्रीकल्चरल सेक्टर पर निर्भर करती थी हमारे देश में गरीबी थी कालाबाजारी भी लोग बहुत करते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीसरा अमेंडमेंट कर कर तैतीसवीं एंट्री की कॉन्करेंट लिस्ट में और कहा इन चार तरह की कॉमोडिटीज का जो प्रोडक्शन है इसकी सप्लाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कंट्रोल करेंगे वो कौन कौन सी चीजें थी खाने पीने का सामान फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल ये जो हम लोग आ, खाना बनाने का तेल इस्तेमाल करते हैं ना उसके प्रोडक्शन उसकी सप्लाई उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया इसके अलावा कैटल फॉर्डर इंक्लूडिंग ऑयल केक्स रॉ कॉटन वेदर गिंड और अनगिंड कॉटन सीड्स रॉ जूट ताकि किसी भी तरह की काला बाजारी को रोका जा सके ताकि गरीब के हिस्से में ये सारी चीजें मुहैया कराई जा सके इसीलिए तीसरा कर करकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन चारों एसेंशियल कम्यूडिटीज की प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था तीसरा कर कर क्योंकि तब इसकी जरूरत भी थी लेकिन अक्सर इस अमेंडमेंट के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत तरीके से इस अमेंडमेंट को पास कर इन चारों चीजों की सप्लाई अपने कंट्रोल में ले ली सही बात है कि अगर इस स्टेट के हाथ में दे देते तो फिर तो बहुत दिक्कत होती फिर तो बहुत दिक्कत होती तो क्योंकि हम देखा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रियों से भी अगर ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिक पावरफुल बनाया गया एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल क्यों बनाया गया एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट इसी कारण की वजह से ताकि जो एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं वो सबको मुहैया कराई जा सके अब अगर मान लीजिए कि हमारे देश में ये जो ऑक्सीजन ये जो आपके माइंस वगैरह होते हैं या आप कह सकते हैं कि जिन माइंस वगैरह में ऑक्सीजन वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह होती है लिक्विड ऑक्सीजन की अगर ये स्टेट के कंट्रोल में होता तो स्टेट गवर्नमेंट कितनी नौटंकी करते ड्यूरिंग कोरोना सेंट्रल के हाथ में था सेंट्रल ने कहा कि ये यहाँ से ये यहाँ पहुँचाओ यहाँ से ये यहाँ पहुँचाओ यहाँ से ये यहाँ पहुँचाओ सब कुछ कंट्रोल में आ गया लाइक like रेलवे आप देख लीजिए तो इसीलिए तीसरा अमेंडमेंट किया गया एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अपना प्यार बनाए रखिए मुलाकात होगी अगले एम के साथ अब तक खुश रहिए हेल्दी रहिए सेफ रहिए थैंक यू